परम शांति। आज सभी के मन में है, भारतवासियों के मन में, कि भारत हिंदुस्तान कब बनेगा। मतलब भारत जो है आज, वो बदल के हिंदू राष्ट्र कब बनेगा। केवल हिंदू का राज होगा, हिंदुओं का राज होगा, ये जरूर होने वाला है। भारत हिंदुस्तान बनने वाला है, भारत सोने की चिड़िया बनने वाला है, भारत हर तरह से आगे बनने वाला है। भारत थोड़े समय में आप देखोगे इकोनॉमिकली धीरे 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 बढ़ते दुनिया में नंबर वन जाएगा, साइंटिफिक और हर तरह का भारत प्रोग्रेस करेगा। इतना भारत प्रोग्रेस करेगा, इतना भारत प्रोग्रेस करेगा कि दुनिया की नज़र फट जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे कि ये भारत के रातों रात, दिन रात क्या हो रहा है, भारत नंबर वन कैसे जा रहा है हर तरह से, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे साइंटिफिकली हो, चाहे हर तरह का प्रोग्रेस होगा। और जो भारत के अंदर बैठे हुए जो असुर हैं, जो बहुत भारत को जिन्होंने लूटा है, भारत को जिन्होंने बर्बाद किया है, ऐसे पापी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, ये सभी को सजा भी मिलना शुरू हो जाएगा। सबको सजा मिलेगी, सब धीरे धीरे सब तिहाड़ जेल में होंगे, सब सब इतना सड़ेंगे कि अपने आप को सजा पाएंगे और सोचेंगे कि ये सजा कौन दे रहा है। क्योंकि भारत में अब सूक्ष्म जगत वाले, भारत को विश्व गुरु सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं बनाएगी। सूक्ष्म जगत में जो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है, वो अब धीरे धीरे जाग रही हैं, और 33 कोटि देवता वाले जो साकार रूप में भी काम कर रही हैं। तो 33 कोटि देवी देवता वाले साकारी और आकारी मिलके सूक्ष्मोतन वाली आत्माएं, सूक्ष्मोतन की सारी शक्तियाँ भारत में उतारेंगे, और भारत में हल्के से वायुमंडल बदलेंगे। भारत में धीरे धीरे करके इतना वायुमंडल अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा वायुमंडल हो जाएगा कि अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी सब सजा खाएंगे। इतनी सजा खाएंगे कि वो धीरे धीरे बदल जाएंगे और कहें, अपने मुंह से कहेंगे क्या हम भ्रष्टाचारी हैं, हमने ये किया है, ये किया है। अपने सब अपने मुंह से ही अपने पापों का बयान करेंगे, मुंह काला करेंगे। और धीरे धीरे अच्छी आत्माएं, जो देवी देवता धर्म की आत्मा है, जो साकार में भी हैं और आकार में हैं, ये सब सूक्ष्म में इतना चमत्कार जैसा, दुनिया को चमत्कार लगेगा, दुनिया को इतना चमत्कार लगेगा। ये भारत में हो क्या रहा है, भारत क्या बन रहा है, भारत सोने की चिड़िया बन रहा है। हाँ, सोने की चिड़िया तो कुछ भी नहीं, भारत वास्तव में असली सोना बनेगा, डायमंड बनेगा, डायमंड युग आएगा, भारत का डायमंड युग आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। कैसे? सूक्ष्म जगत में रही हुई सारी शक्तियां ऊपर से भारत में ही बरसेगी, और वो साकार रूप में जो अच्छी अच्छी आत्मा है, वो धीरे धीरे, इसकी आत्माएं इतनी जाग जाएगी, आत्माओं में शक्ति आ जाएगी, सभी धीरे धीरे आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे, सबको आत्मज्ञान मिलेगा, और धीरे धीरे भारत आत्मज्ञानी हो जाएगा, सारा भारत आत्मज्ञानी हो जाएगा और आत्मा की शक्तियों को डेवलप करेगा धीरे धीरे। और भारत में परम तत्व होंगे, भारत के वायुमंडल में परम तत्व होंगे, भारत के वायुमंडल में परम शांति होगी। भारत का पूरा मैप पर कोई भी देखेगा तो उसको शांति मिलेगी। सारी दुनिया की नज़र भारत पर होगी, सारी दुनिया की नज़र भारत पर होगी। लोग भारत में आने के लिए तरसेंगे, भारत में पैर रखने के लिए तरसेंगे, भारत का वीजा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भारत एक ऐसे मुकाम पर धीरे धीरे पहुंच जाएगा कि धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। यहाँ भारत के अंदर सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं, जो बहुत ढेर सारी सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं और स्थूल जगत वाली आत्माएं, मतलब साकारी और आकारी आत्माएं, पावर उतार उतार के भारत के अंदर परम तत्व, परम लाइट, परम शांति, परम सुख होगा। और लोग, सारी दुनिया के लोग एक पल की शांति के लिए भारत की ओर देखेंगे, और भारत के अंदर सब बदल जाएंगे। सब कहेंगे हाँ, हम
सनातनी है, हम अनादि हैं, आदि अनादि हम हैं। भारत में जो धर्म है वो आदि अनादि सनातन देव देवता धर्म है और उसके हम वंशज हैं। सब ये कहेंगे उसके हम वंशज हैं और सब सनातनी हो जाएंगे, अनादि सनातन देवी देवता धर्म के वंशज को मानकर सब एक रूप हो जाएंगे, भारत एक रूप हो जाएगा। और विदेशों में तो आपस में लड़कर मरेंगे, आपस में लड़कर मरेंगे। भारत किसी से लड़ेगा नहीं, भारत को लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भारत के पास, भारत सर्वगुण संपन्न बन जाएगा, भारत के पास सब कुछ होगा। भारत के सामने कोई आंख उठा के भी देखने की हिम्मत नहीं करेगा। और आने वाला भारत एकदम यहाँ ही जैसे स्वर्ग का अनुभव करेगा, परम सुख परम शांति भारत में ही होगी। लोग परम सुख और परम शांति से लोग आकर्षित होकर भारत में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विदेशों में तो आपस में ही लड़कर वो कटकर मरेंगे। विदेशों में आपस में भारत के अलावा विदेश भारत किसी से लड़ाई नहीं करेगा, भारत सबको परम शांति की राह देगा। इसलिए तो विश्वगुरु बनेगा ना, सब भारत की नज़र से देखेंगे, भारत को देखेंगे हमें हेल्प करें मदद करें, भारत की ओर शांति मांगेंगे, भारत को कहेंगे हमें शांति दो, हमें शांति दो, शांति दो। तब धीरे धीरे भारत सारी दुनिया को शांति देगा और सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भारत दिखाएगा। अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय को वो आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति देने का कार्य भारतवासी 33 कोटि देवी देवता भी करेंगे और बेहद की आत्मा भी करेंगे, मगर ये भारत से ही शुरू होगा। चिंगारी भारत से ही होगी, भारत से ही सब कुछ शुरू होगा और धीरे धीरे पूरी दुनिया में देगा, फिर पूरे ब्रह्मांड में, फिर पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना आकाश गंगा, माना गैलेक्सी में, फिर यूनिवर्स में, माना जहाँ अनंत कोटि आकाश गंगाएं हैं ऐसे ही। तो धीरे धीरे सब परिवर्तन पूरा मल्टीवर्स तक हो जाएगा, मगर निमित्त भारत से शुरू होगा, भारत ही सब कुछ शुरुआत करेगा। चाहे शांति की हो, भारत को लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। अब आने वाला कल जो है वो धीरे धीरे भारत इतना संपन्न, सर्वगुण संपन्न बन जाएगा, भारत के अंदर रहने वाले भी सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, सुधर जाएंगे, अपने आप ही सुधर जाएंगे। जो पापाचारी भ्रष्टाचारी है वो थोड़ा का वायुमंडल बदलते ही वो धीरे धीरे उनका मन बदल जाएगा और सब धीरे धीरे कहेंगे नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आने वाला कल भारत का ही है, भारत विश्व गुरु बनेगा और आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य भारत में स्थापन होगा। परम शांति।